तरीके से लाठी चार्ज किया गया? देखिए, हम पे लाठी चार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धन का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। मैम, कहा जा रहा है कि हाथरस की जो बेटी है उसको दो बार मौत हुई, एक बार दरिंदों ने मौत दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौत दी, उस पर क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा। योगी सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को, पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया। मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा, 144 उस पे नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अकेले चलने दीजिए, प्यार से जाऊंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है सर, आपके साथ ये आपके लोग सर, दो जाओ नहीं तो फिर आप मुझे बताओ, आप कोई और कानून लागू कर रहे हो? योगी जी का काला कानून लागू कर रहे हो? माई कौन करो? ये साजी से माई कौन करो? साजी से जा रहे थे वहाँ पे सबकी भाई लेकिन सर ये कह रहे हैं कि आगे हाथरस के डीएम ने ऑर्डर किया है कि वहाँ न जाएं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, और हमारी दलित की बेटी के न्याय मांगने के लिए अब आगे क्या तय करें सर, जाएंगे ही जाएंगे? उत्तर प्रदेश की पुलिस का गुंडा राज देखिए आप किस तरीके से रोड पर दिख रहा है। यहाँ पर लगातार अभी बने हुए यहाँ पर फिलहाल जो उनको प्यार से समझाया गया था, यहाँ पर तब भी नहीं माने गए, उसके बाद आपको सड़क